हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लत्ती की प्याली। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ एक होममेड रेमेडी शेयर करने वाली हूँ और इस होममेड रेमेडी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कॉफी फेस मास्क। कॉफी हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमें कॉफी का जो पाउडर है, कॉफी पाउडर वो चाहिए और उसका हम फेस मास्क बनाएंगे और उसको आप एज अ स्क्रब भी यूज कर सकते हो या फिर मास्क के रूप में भी आप यूज कर सकते हो। दोनों ही बहुत ही बेनिफिशियल है। कॉफी में गाइस एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और अगर आप इसको एज अ स्क्रब यूज करते हो ना, तो ये आपकी स्किन पे जो भी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और इम्प्योरिटीज होती है ना, उसको ये खींचकर बाहर निकाल देता है। तो कॉफी इज एन एक्सीलेंट फेस मास्क फॉर यू। इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए गाइस, जो भी चाहिए ना आपके घर पे मौजूद होगा। इसको बनाने के लिए मिल्क चाहिए, रॉ मिल्क ले सकते हो, और टर्मरिक चाहिए और कॉफी चाहिए। तो कॉफी तो गाइस ऐसा आता है, ऐसा छोटा सा पैकेट भी आ जाएगा। मैंने इसको काट के रखा हुआ है डालने के लिए, तो इतना सा आपको आ जाएगा, 1 रुपी या 2 रुपीज के अंदर आ जाता है। आप खरीद सकते हो, किसी भी परचून की दुकान से आप खरीद सकते हो। और आपको ऐसा थोड़ा सा ऐसे मिल्क लेना है और साथ में आपको चाहिए टर्मरिक। तो टर्मरिक के लिए मैंने ये एल्प्स गुडनेस का वाइल्ड टर्मरिक लिया है। गाइस बिल्कुल प्योर टर्मरिक है ये, बिल्कुल प्योर है, कुछ भी मिलावट नहीं है। इसकी जो स्मेल है ना, इसकी जो स्मेल है वो इतनी ज़्यादा प्योर है, इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक है, मतलब मैं इसकी फ़ैन हूँ। और बिल्कुल असली हल्दी है, बिल्कुल असली हल्दी। तो अगर आपको ये परचेस करना है तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो डायरेक्ट। गाइस देखो ये कुछ इस तरीके से है, इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बिल्कुल जो है येलो कलर का है, एकदम असली हल्दी। आप बाजार लोकल मार्केट से जो लाते हो ना गाइस, वो बिल्कुल थोड़ा ऑरेंज कलर का होता है, मतलब थोड़ा सा ना रेडनेस होता है उसमें, ना फूड कलर मिक्स होता है, बट इसमें कोई भी कलर मिक्स नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल प्योर है। एंड ये 50 ग्राम का ही है। जो प्राइस है ना यहाँ पे 99 है, बट आई गेस कि मैंने इसको 53 या कुछ में परचेस किया है, तो बहुत ही अच्छा डील है कि आपको प्योर मिल रहा है। आप सोच रहे हो कि कितना थोड़ा सा है, बट यार प्योर है ये, आपको कोई भी इसमें मिलावट नहीं मिलेगा, कोई भी फूड कलर नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, तो उससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। सो या गाइस, विदाउट एनी फर्दर अडू चलते हैं वीडियो में, देखते हैं कि मैंने इस मास्क को कैसे बनाया है और साथ ही साथ मैं इसके बेनिफिट्स भी आपको बताऊंगी। गाइस आप एक बाउल में रॉ मिल्क ले लीजिए, उसमें कॉफ़ी पाउडर को ऐड कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा टर्मरिक को ऐड कीजिए। देन टर्मरिक ऐड करने के बाद आप उसको अच्छे से मिक्स कीजिए, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी देनी है मिक्सचर को। गाइस कॉफ़ी मास्क रेडी हो जाने के बाद इसको मैं अपने हाथों से अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर और थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में इसको मसाज भी कर रही हूँ अपने पूरे फेस पर। अच्छे से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। गाइस कॉफी कंटेन्स विटामिन B3 ऑल्सो नोन एज नियासिन। इट प्रोटेक्ट्स आवर स्किन फ्रॉम सेवरल काइंड ऑफ स्किन डैमेजेस एंड स्किन कैंसर्स, एंड ये आपके एक्ने को भी ट्रीट करता है। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कॉफी मास्क। बट गाइस एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपके फेस पर एक्ने एंड पिंपल्स है तो आपको उसका स्क्रब यूज़ नहीं करना, आपको कॉफ़ी का स्क्रब बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ये आपके एक्ने एंड पिंपल्स को और भी ज़्यादा इरिटेट कर सकता है, इसीलिए आपको इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। गाइस कॉफ़ी आपके डार्क सर्कल्स के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मेरे भी काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स है, तो मैं इसको इसमें थोड़ा सा टर्मरिक ऐड कर रही हूँ ताकि जो मेरे डार्क सर्कल्स हैं उसको ये लाइटन अप कर सके। इस खास बात ये है कि ये आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। यूवी रेज की वजह से हमारे फेस पे सन स्पॉट्स आ जाते हैं एंड स्किन डैमेजेस होने के चांसेस होते हैं और स्किन कैंसर का भी खतरा होता है, तो ये उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। गाइस कॉफ़ी हमारे स्किन में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और अगर आपको पफ़ी आइज़ की प्रॉब्लम है, वो जो आँखों के नीचे थोड़ी सी सूजन आ जाती है, अगर आपको उसकी दिक्कत है तो कॉफ़ी उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप कॉफ़ी को अपने आँखों के नीचे अप्लाई कर सकते हो, कॉफ़ी आपके पफ़ी आइज़ को कम करने में हेल्प करता है। गाइस जैसा कि मैंने बताया, कॉफ़ी में एंटी एजिंग बेनिफिट्स होते हैं, तो अगर आपके उम्र बढ़ने की वजह से आपके फेस पर या आपके आंखों के आसपास या फिर आपके माथे पर रिंकल्स आ रहे हैं, तो कॉफ़ी उसको रिड्यूस करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपके रिंकल्स को ये रिड्यूस करता है एंड आपके लुक को एनहांस करता है, आपके स्किन को स्मूथ करता है एंड ब्राइटन अप करता है, और आपके आपका जो स्किन का जो टेक्स्चर है उसको बहुत ही सॉफ्ट कर देता है। गाइस जो फेस पैक मैंने अभी यूज़ किया है, यानी कॉफ़ी
रॉ मिल्क एंड टर्मरिक का फेस पैक मैंने यूज़ किया है। ये अगर आपके स्किन में डर्ट एंड पॉल्यूशन है और अगर आपकी स्किन में इम्प्योरिटीज़ है तो ये उसको तो रिमूव करेगा ही, साथ ही साथ ये वाला फेस पैक आपकी पफ़ी आइज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको अगर पफ़ी आइज़ की प्रॉब्लम है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो फेस पैक, बहुत ही अच्छा रहेगा आपकी स्किन पर। सो गाइज, इस फेस पैक को मैंने अपने फेस पर 2 to 3 minutes तक मसाज किया है, देन इसको मैं 5 to 10 minutes तक छोड़ दूंगी ऐसे ही और थोड़ा सा ड्राई हो जाने के बाद अपने फेस को वॉश कर लूँगी। सो गाइज, मैंने अपने फेस को यहाँ पर वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो बहुत ही एक अच्छा सा इफ़ेक्ट आया है एंड मेरी स्किन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो गई है यहाँ पर, क्योंकि मैं अपने स्किन को जब छू रही हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा सा एक सॉफ्टनेस फील हो रहा है। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, आपकी स्किन पर ये बहुत ही अच्छे से बहुत ही जेंटली काम करेगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।